सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 346 को। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। जिन लोगों ने भी इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो देख रखी है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने लोगों को वहाँ से दूसरी साइड पे भगा करके ग्रैंड मदर और बाकी के एल्डर्स के पास आता है और उनके जाने के लिए सेफ रास्ते का बता करके मिंग वहाँ से जाने लगता है। ये देख ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो। तो मिंग हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ज्यादा अमीर नहीं हो, इसलिए थोड़े से पैसे के लिए मैं अपने हाउस को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज जूफिंग के लिए है। तुम लोग उस तक मेरे इस मैसेज को पहुँचा देना कि मैंने अब उसके फेवर में उसके लिए एक और मदद कर दी है। तो इतना कहने के बाद मिंग वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर मिंग एक जगह से गुजरते हुए कहता है कि मैं इस सब में कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ। एंड पे आखिर मेरा लॉर्ड कौन होगा। तो अब मिंग के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफेस की सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि काफी देर तक सफर करने के बाद काफी ज्यादा दूर पहुंच गए होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने कोई आता है जिसे देख करके वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो इस बार उन लोगों के सामने कोई और नहीं बल्कि हमारे जूफेंग के क्लैन के ही वो दोनों ओल्ड एल्डर्स होते हैं। ओल्ड एल्डर ज़ियू ग्रैंड मदर को देख करके कहते हैं, ग्रैंड मदर, स्टीवर्ट ज़ू के कहने पर हम लोग यहाँ पे आपका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब इधर ज़ूफेंग के लोगों को देख करके ग्रैंड मदर भी काफी खुश होते हुए उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहती हैं कि तो ये आप दोनों हैं, आप लोगों को इस सबसे ज्यादा जरूरत के समय पर देख करके हम लोगों को बेहद ज्यादा खुशी हुई। तो ये सुन ओल्ड क्यू कहती हैं कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल हम दोनों हाउसेस तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे के अलाइज हैं, इसलिए आप लोगों की हेल्प करना तो ये हमारी नेचुरल सी बात है। तो तभी साइड में खड़े ओल्ड ज़ियू भी कहते हैं कि ग्रैंड मदर, कुछ बात है जो मुझको समझ नहीं आती। हम लोगों ने काफी पहले ही रीजन स्टेट के आपके ऊपर हमला करने के बारे में मैसेज में वार्निंग दी थी, तो फिर आखिर इस सब के बावजूद भी आप लोग इतने ज्यादा सिर्फ क्यों रहे। ओल्ड क्यू की ये बात सुनकर के ग्रैंड मदर भी सिर्फ उन्हें देखती रह जाती हैं और कुछ भी नहीं कह पाती हैं। फिर वो इस चीज के लिए थोड़ा शर्मिंदा होते हुए उनसे कहती हैं कि हॉनेस्टली कहूँ तो मैं एक काफी लंबे समय से सेकुलरिज्म में थी, इसलिए आपकी ये सारी जानकारी दूसरों के ऊपर छोड़ दी गई थी और वो लोग उस हादसे के बाद से आप लोगों के ऊपर विश्वास करने में काफी ज्यादा कमजोर थे, इसलिए उन लोगों ने आपके इस मैसेज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रीजन स्टेट बिना किसी वजह यूं हमारे ऊपर हमला करेगी और इस सब के बाद में जब मैं अपने सेकुलरिज्म से बाहर आई थी तो ऑलरेडी दुश्मन हमारे दरवाजे पर पहले से ही खड़े थे और तब आपकी बात मानने के लिए बहुत ज्यादा देरी हो गई थी, इसलिए अब मैं इस सब के लिए बेहद ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। ग्रैंड मदर की ये सारी बातें सुनने के बाद ओल्ड ज़ियू और ओल्ड क्यू भी हंसते हुए कहते हैं कि ओ तो ये बात थी। इतना कहने के बाद फिर वो दोनों लोग हंसते हुए एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तो उन लोगों को इस तरीके से देख करके मास्टर डूडन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं, इन सब बातों को छोड़ो, आप लोग हमें ये बताओ, जब आप लोग ऑलरेडी इस अटैक के बारे में काफी पहले से जानते थे तो आप लोग पहले ही हम लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पे क्यों नहीं आए। फिर क्यों आप लोग कुछ करने से पहले हम लोगों को डिस्ट्रॉय होने का इंतजार कर रहे थे। तो इस सब के बारे में सोचा जाए तो अब आप लोग ही हमें बताओ कि आखिर आप लोग हम लोगों के किस तरीके के सहयोगी हैं। तो अब एल्डर डूडन यानी कि एल्डर फियोनी की ये बात सुनने के बाद एल्डर क्यू सीरियस होते हुए कहते हैं कि लड़कियों, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे नहीं होते। तो एल्डर क्यू के इतना ज्यादा सीरियस देख ग्रैंड मदर भी थोड़ा घबराते हुए उनको रोकते हुए कहती हैं, एल्डर क्यू प्लीज आप शांत हो जाएं, पियोनी तो पहले से ही काफी ज्यादा ढीठ है, आप प्लीज उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। इतना कहने के बाद फिर ग्रैंड मदर एल्डर पियोनी को डांटते हुए कहती हैं कि पियोनी, एल्डर क्यू यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए काफी ज्यादा दूर से आए हैं, इसलिए आप कुछ भी कहने से पहले थोड़ा बहुत सोच विचार तो कर ही सकती हैं। और आखिर तुम एल्डर क्यू को इस तरीके से इंसल्ट कैसे कर सकती हो, तो अब इसीलिए जाओ और जाकर के जल्दी से उनसे माफी मांगो। एल्डर पियोनी भी ग्रैंड मदर की बात सुनने के बाद अपने ही अंदाज में कहती है कि आखिर इन लोगों से क्या माफी मांगना, क्योंकि इन लोगों को हमको रेस्क्यू करना सच में रियल
रियल होता तो आखिर ये लोग संख्या में इतने ज्यादा कम क्यों होते। यहाँ तक कि इन लोगों के साथ तो इनका जू फेंग भी नहीं आया है। इसलिए इस सब से ये क्लियरली पता चलता है कि इन लोगों का इंटेंशन हमारी हेल्प करने का तो बिल्कुल नहीं था। तो एल्डर फ्यूने की ये सारी बातें सुनने के बाद एल्डर क्यू थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम इग्नोरेंट लड़की, तुम जैसे लोगों का ये विचारहीन समूह स्टीवर्ट जू की इंट्रीगेट जटिल प्लानिंग के बारे में क्या जानता है। जब मदद के लिए उनका मैसेज आपको रिसीव हुआ तो स्टीवर्ट जू ये पहले से ही जानते थे कि आप कभी भी उनसे कभी भी अपनी बुद्धिजेट रूट लेने की वजह से ना तो उन्हें अपनी नजर से देखना चाहेंगे और ना ही उनके मैसेज के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव करेंगे। यहाँ तक कि ये सब कहने के बारे में उन्होंने हमसे पहले ही वार्निंग भी दी थी कि हम लोग आपसे ऐसा ना कहें क्योंकि इससे हम लोगों के घरों के बीच के संबंध टूट जाएगा। लेकिन अब जब तुमने मुझे इस सब को कहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं छोड़ी इसलिए मुझे ये सब तुमसे कहना पड़ा। तो ये सुनकर के एल्डर फियोनी और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती हैं कि तो क्या ये सब करने से उस जूफेंग को, हमारे उस प्रीसियस ट्रेजर को चुराने का राइट मिल जाता है। इधर दूसरी एल्डर फियोनी को उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करता हुआ देख करके ग्रैंडमदर उनको शांत रहने के लिए कह रही होती हैं कि दूसरी ओर एल्डर क्यू एल्डर फियोनी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी हेल फायर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि छोटी बच्ची, अगर मैं ये सब स्टीवर्ट जू के लिए नहीं कर रहा होता तो मेरे लिए तुम्हारी इतनी कम रेस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे शरीर से कब का अलग कर चुका होता। इतना कहकर के ओल्ड एल्डर क्यू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उससे में एल्डर फियोनी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। ये देख कर के ग्रैंड मदर और बाकी की सभी लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। ग्रैंड मदर आगे आकर के एल्डर फियोनी को पीछे हटने के लिए कहती हैं। जबकि दूसरी ओर ये सब देख करके ओल्ड एल्डर ज्यू एल्डर क्यू के आगे आकर के हंसते हुए उन लोगों से कहती हैं, हम दोनों लोग तो पहले से ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साइड पे हैं, आखिर इस सब को लेकर के हम लोगों को झगड़ना क्यों चाहिए, तो क्या मैंने सही कहा ना ग्रैंड मदर। तो इधर ग्रैंड मदर भी हंसते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल सही एल्डर ज्यू, आप टोटली बिल्कुल सही कह रही हैं। ओल्ड एल्डर ज्यू, प्लीज आप मेरे लिए एल्डर फियोनी को माफ कर दीजिए क्योंकि इस सब में मेरी ही गलती है, मैं ही अपनी डिसेंडेंट को थोड़ा प्रॉपरली टीच करने में फेल हो गई, इस सब में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फॉल्ट है। अब इसीलिए मैं ओल्ड एल्डर क्यू से कहना चाहती हूँ कि प्लीज वो अब अपना गुस्सा थूक दे और शांत हो जाए। अब इधर जब ओल्ड एल्डर क्यू ग्रैंड मदर की बात सुनने के बाद अभी भी गुस्से में होते हैं तो ये सब देख करके ओल्ड एल्डर ज्यू उनसे कहती हैं, बिग लॉन्ग, ऑलरेडी वो लोग पहले ही आपसे माफी मांग चुके हैं तो अब आप भी उनके लिए अपना कुछ कंसिडरेशन दिखाएं। तो अब इधर दूसरी ओर अब जब एल्डर ज्यू के इतना कहने के बावजूद भी ओल्ड एल्डर क्यू अपने गुस्से को नहीं थूकते हैं, ये सब देख करके एल्डर ज्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो भी काफी ज्यादा गुस्से में एल्डर क्यू की बैक पे एक जोरदार लात मारते हुए कहती है, अब क्या तुम कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो गए हो जो कि अब तुम मेरी बातों को भी नहीं मान रहे हो, तब से इन लोगों के लिए तुमसे कुछ कंसिडरेशन करने के लिए कह रही हूँ लेकिन तुम तो अपने ही एटीट्यूड में लगे पड़े हो, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। गाइस एल्डर ज्यू के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को आज इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। लाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।